Hello everybody, I am Shomu Gandhigiri, welcome to my channel. Today I will discuss how to crack NIPER JEE for PhD in pharmaceutics. Okay, so let's start. See, first of all you have to know the exam, okay, and the exam pattern. Okay, see, there are very few videos, okay, on NIPER JEE, okay, for PhD. So if you are a student of M.Pharm Pharmaceutics or MS, okay, then this video is going to be very, very helpful to you. Okay, so please see this video till the end. I hope all doubts, all questions regarding this exam will be clear. Okay, so first thing, see, total 100 marks ka exam hota hai, theek hai? Total 100 marks ka exam hota hai. 100 mein se 85 marks aapko jo written exam hota hai na, उसका वेटेज 85 मार्क्स रहता है, ठीक है. उसके बाद टोटल 15 मार्क्स का एक इंटरव्यू होता है, ठीक है. इफ़ यू कैन क्रैक द योर रिटन एग्जाम, देन आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू. ओके, एंड आफ्टर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर इन योर रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, सब कुछ मिला के आपका जो टोटल मार्क्स आएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका ऑल इंडिया रैंक होगा, ठीक है. मान लीजिए मेरा रैंक था लास्ट ईयर, ऑल इंडिया रैंक था 31, ठीक है. फार्मास्यूटिक्स में मेरा रैंक पीएचडी का था 31 जो रैंक आया वो आया मेरा रिटन एग्जाम का परफॉर्मेंस प्लस जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, ये सब मिला के मेरा रैंक आया था, ठीक है. देखिए टोटल 170 क्वेश्चंस, ओके, एंड द वेटेज ऑफ 170 क्वेश्चंस इज 85. ओके, आई मीन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स देन योर डिसिप्लिन विल बी फार्मास्यूटिकल साइंस. ओके, टोटल थ्री एरियाज आर देयर, ओके, ऑन व्हिच द एग्जाम इज कंडक्टेड. द फर्स्ट एरिया इज केमिकल साइंस, सेकेंड एरिया इज बायोलॉजिकल साइंस एंड द थर्ड एरिया इज फार्मास्यूटिकल साइंस. ओके, सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स देन योर एरिया विल बी फार्मास्यूटिकल साइंस एंड द क्वेश्चन पेपर, आई मीन द रिटन एग्जाम क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन योर एमएस और एमफार्म सिलेबस. ओके, एमएस और एमफार्म सिलेबस, आई मीन व्हिच व्हाट एवर योर सिलेबस इज मेंशनड इन केस ऑफ एमफार्म और एमएस. ओके, फार्मास्यूटिक्स का ही सिलेबस, और डिपेंडिंग ऑन दैट योर क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड. ओके, एंड वन मोर थिंग, सम क्वेश्चंस मे कम फ्रॉम जनरल फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड जनरल एप्टीट्यूड. ओके, सो 85 का जो क्वेश्चंस, सॉरी 170 का जो क्वेश्चंस है, टोटल 170 जो क्वेश्चंस आता है योर इन योर रिटन एग्जामिनेशन. ओके, सो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको एम फार्म और एम एस का सिलेबस से आएगा, ठीक है, डायरेक्टली, एंड समथिंग सम क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम जनरल फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड जनरल एप्टीट्यूड. ओके, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स. ओके, एंड फॉर ईच रॉन्ग रिस्पॉन्स 25% ऑफ द 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड, एंड द एंड आफ्टर दैट, आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. ओके, सो दैट इज द बेसिक पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ओके, देन कमिंग टू द पॉइंट, read the subject well. Okay, read the subject well means first you have to collect the M.Pharm or MS syllabus, and okay, and you have to go through it, first thing. Second thing is focus on analysis. Okay, if you are a student of M.Pharm Pharmaceutics, then you have to focus mainly on analysis, I mean pharmaceutical analysis, regulatory efforts and drug delivery systems. These three are very, very important. These three portions are very, very important, and majority of the questions may come from these segments only. ओके, आफ्टर दैट योर जीपेट का जो सिलेबस है ना, जीपेट में फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस होता है ना, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है. सो देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाइपर जेई पीएचडी. ओके, इन केस ऑफ फार्मास्यूटिक्स, सी, यू हैव टू स्टडी द स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरी वेल, ठीक है. टोटल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल टू योर एनएमआर, सॉरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. टोटल पूरा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेबस है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. यूवी विजिबल आईआर योर एनएमआर देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है.
Then coming to the chromatography. See, you have to study the whole syllabus of chromatography well, but specially focus on HPLC. ये very very important है, ठीक है? Then HPTLC, gas chromatography. Gas chromatography भी very very important है, ठीक है? Then coming to the other important points, you have to study ICH guidelines. It is very very important. Okay, in my year, okay, I think 3 to 4 questions directly came from ICH guidelines. Okay, so it is very very important. You have to study common technical dossier, CTD, CDSCO, US FDA, Orange Book, Hatch-Waxman Act, concept of generic drug development, drug discovery and its marketing approval process in detail. Okay, you have to study IND, NDA, okay, patents. ये सब आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? Because these are the hot topics. Okay, these are the hot topics from the questions may come. Okay, so you have to also study clinical trial and you have to have some good understanding regarding this topic. Okay, in case of drug delivery, you have to study liposome, neosome. Okay, these are very very important. Okay, transdermal drug delivery system, pulmonary drug delivery system, protein drug delivery system, colon drug delivery system. Okay, all these are very very important and you have to also study the pharmaceutics from GPAT syllabus. Okay, so these are the most important topics, okay, on which you have to study well. Okay, so coming to the interview section, see, in my case the interview was mostly conducted on my project. Questions came on my project. Okay, the interviewer asked me about my project. Okay, what was the drug, which type of formulation I developed. Okay, and in my case I did 1 month industrial training from Mohali. Okay, so they also asked some questions regarding that. Okay, so basically in interview you have to prepare a good introduction of yourself. Okay, it is very very important because after giving introduction of yourself, the questions will be started regarding the points you will mention in introduction. Okay, so prepare a good introduction of yourself. Okay, if you have published some papers, review or research, don't forget to mention here. Okay, so your publication will have a good weightage. Okay, so don't forget to mention there. And in case of project, you have to thoroughly study the M-Pharm project with deep understanding of each and every element. Okay, because they can ask questions from everywhere. Okay, so try to learn these topics very well. Okay, and one more thing, you should mention your publication detail. And my advice is, if you have any kind of training, I mean industrial training or R&D training in M-Pharm, don't forget to mention them. Okay, those things will have must have some some benefit. Okay, some weightage. Okay, so don't forget to mention that. Okay, so thank you. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.